डॉक्टर हैं जिनके घर में डाका पड़ा और उनकी बहू ने ये वो ऐप डाउनलोड की हुई थी। साइलेंट मोड पर उन्होंने 15 को डायल किया और एंगेज रखा पुलिस को साइलेंटली। विद इन 10 मिनट्स द पुलिस वाज देयर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली इम्प्रूव किया है। वी आर रियली इम्प्रेस्ड एंड वी फील सो सिक्योर कि अगर हम घर से बाहर के निकलें और खुदा ना खास्ता हमें कोई मुश्किल या परेशानी है तो हमारे लिए हेल्प जो है मौजूद है। सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो गया आपका, जिसमें एक ही नंबर पे सारी सर्विसेज दस्तयाब हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करके रिस्पॉन्स टाइम अपना कम करके वहाँ पे एक्शन भी ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, आज सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का विजिट किया। जिस तरह से मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है, इसी तरह से सिक्योरिटी में भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। आइए वफ्द से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का विजिट कैसा रहा। कैसा लगा आपको देख के? इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू पुलिस कल्चर। जिस तरह मेडिकल साइंस में तरक्की आई है, इसी तरह सिक्योरिटी में भी टेक्नोलॉजी इस वक्त चेंज हो रही है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वी आर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द एस्पेक्ट्स व्हिच आर कवर्ड हियर। मेरे लिए तो सबसे फैसिनेटिंग बात ये थी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली इम्प्रूव किया है, क्योंकि जब हम एक दहशतगर्दी के जोन से गुजरे हैं और उस जोन को मुल्क को निकालने में इस इदारे का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिस तरह क्रिकेट वापस आई, उसके लिए बहुत हमें बताया गया कि तकरीबन तमाम ममालिक के लोगों को इनवाइट किया गया यहाँ पे और उनको वर्किंग दिखाई गई कि मुल्क में शहर में किस तरह सेफ्टी को देखा जाता है और किस तरह कैमरे हर जगह मुल्क में लगे हुए हैं जो सेंट्रलाइज कर रहे हैं चीज़ों को और क्राइम को कम किया जाता है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने एक वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च की, इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि वुमेन को कितना सिक्योर करती है, वुमेन कितनी महफूज है इस एप्लीकेशन की वजह से? एज अ वुमेन, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ लीडर ऑफ मेनी वुमेन, मैं एकदम, मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सेफ हो गई है। तकरीबन 20-25 साल पहले आई वॉज हेल्ड एट गन पॉइंट, आई वॉज टॉर्चर्ड, आई वॉज कार स्नैश्ड एंड यू नो पर्स वॉज स्नैश्ड एंड आई हैड नो ऐप एट दैट टाइम और नो एक्सेस टू एनी थिंग। सो मुझे ये पता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है औरतों के लिए। जो सेफ्टी ऐप है, अगर आप उसको एक क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करते हैं और एट अ क्लिक आपको हेल्प मिल जाती है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस से प्रॉब्लम हो तब भी मिल जाती है, आप किसी इंसिडेंट में हैं, आप कहीं थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, आपके साथ कोई हादसा नहीं भी हुआ लेकिन आप थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, तो आपको हेल्प मिल सकती है। इसलिए ये ऐप जो है, मैं सोचती हूँ कि ये तमाम लड़कियों को डाउनलोड करनी चाहिए, तमाम ख्वातीन को डाउनलोड करनी चाहिए, इसको हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए। हमने तो ये सोचा है कि हम इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे ताकि हमारी जितनी भी ख्वातीन हैं, चाहे वो गांव में हैं, चाहे वो शहरों में हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, चाहे घरों में हैं, वो इस ऐप से फ़ायदा उठाएं। आप बात कर रही थी कि आपने एक दफ़ा 15 पे कॉल की और विद इन 10 मिनट्स पुलिस ने आपको रिस्पॉन्ड किया, उस वाक़े को शेयर कीजिए, बताइए वो क्या वाक़या? हमारी एक डॉक्टर हैं जिनके घर में डाका पड़ा और उनकी बहू ने ये वो ऐप डाउनलोड की हुई थी। साइलेंट मोड पर उन्होंने 15 को डायल किया और एंगेज रखा पुलिस को साइलेंटली वाइल शी वॉज टॉकिंग टू द थीव्स। और विद इन लाइक 10 मिनट्स, अंदर 8 डाकू थे, बाहर 5 डाकू थे, विद इन 10 मिनट्स द पुलिस वाज देयर और बाकायदा पुलिस मुकाबला हुआ वहाँ पे। डाकू मारे गए कुछ और कुछ पुलिस इंजर्ड हुए, लेकिन उस घर के तमाम ख्वातीन, तमाम बच्चे जिनको गन पॉइंट पे होल्ड किया हुआ था, उनकी जान बची
और इस तरह से ये बहुत कामयाब है। डॉक्टर साहब, आज आपने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विज़िट किया, आप समझती हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगी तो आप महफूज हाथों में हैं? जी, यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों का जिनका हम सिर्फ सोचते थे कि ऐसे होना चाहिए, उस चीज़ का इतराक़ हुआ कि ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट और हमारी ये पंजाब से पुलिस जो है वो उस पर एक्चुअली काम कर रही है। और एक इस चीज़ का एहसास हुआ कि ख़वातीन ख़ास तौर पर जो हैं वो यहाँ पर अकेली या लावारिस वाले हालात में नहीं है। दे कैन एक्चुअली सीक हेल्प एंड दे कैन गेट हेल्प वेन एवर दे नीड इट। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ कामरान साहब ने बहुत अच्छी तरह हमें सब कुछ बताया और हमें इस चीज़ का भी पता चला कि और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमारा मुल्क ना सिर्फ वैसे सेफ हो रहा है बल्कि दुनिया में भी इसकी रेटिंग बेहतर हो रही है। और ये सारा कुछ आई थिंक द क्रेडिट गोज टू पंजाब सेफ सिटी। बीइंग ए वुमेन, आप क्या समझती हैं कि वुमेन सेफ्टी ऐप जो लॉन्च की है पंजाब पुलिस ने, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने, इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि वुमेन कितनी सिक्योर हैं इस एप्लीकेशन को लेकर? सबसे पहले तो आज हमने विज़िट किया एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, जो जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड आपका काम हो रहा है, DIG साहब ने, कामरान साहब ने बहुत अच्छे में प्रेजेंटेशन दी। एज़ फार एज़ ऐप इज़ कंसर्न, मैं इस वक्त हूँ वर्किंग एज हेड ऑफ़ गाइनी डिपार्टमेंट इन फातमाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है ऑल फीमेल यूनिवर्सिटी है। तो मैंने जब ये ऐप देखी और हमें इन डिटेल हमें बताई गई तो आई फेल्ट के स्पेशली इसका रोल हमारे कॉलेजेस में, जैसे CNED है, जैसे इवन मेडिकल कॉलेज में, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा और हमें इसको वाइडली मार्केट करना चाहिए, इसको वाइडली लोगों को बताना चाहिए ताकि ये सब तक पहुंचे। ये मुझे बताइए कि आज आपने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विज़िट किया और आप समझती हैं कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग हो रही है इसको देख के कि आप जब भी घर से बाहर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ आप खुद को महफूज समझेंगे? जी, मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि आज ये जो सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटीज़ ने हमें इनवाइट किया और हम यहाँ आए और हमारे सोसाइटी के तमाम मेंबर्स ने यहाँ के देखा तो वी आर रियली इम्प्रेस्ड एंड वी फील सो सिक्योर कि अगर हम घर से बाहर के निकलें और खुदा ना खास्ता हमें कोई मुश्किल या परेशानी है तो हमारे लिए हेल्प जो है मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में आप क्या कहेंगी? जी, वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और ये इतना अच्छा है कि इसको मेरा ख्याल है हर औरत, हर लड़की हर तरह से इस्तेमाल कर सकती है। और जिस तरह से इसमें उन्होंने वीडियो बनाई है और दिखाई है, उसका तरीका इस्तेमाल बताया है, वो बहुत आसान है। डॉक्टर साहब, आप ड्राइविंग करती हैं? जी, मैं ड्राइविंग। अच्छा, तो कभी आप ड्राइविंग करते हुए आपने वायलेशन की हो सिग्नल की? वायलेशन खुद तो नहीं की लेकिन शायद हो जाती है। तो अब ई चलान के हवाले से आप क्या कहेंगी, क्योंकि ई चलान अब आपके घर पहुंच जाता है, कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ वाकया या कोई ऐसा मैसेज पहुंचा हो आपको? एक दफ़ा मेरे घर पहुंचा है लेकिन उस चलान का एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता था, वो मेरे ड्राइवर ने किया था, लेकिन बहरहाल वो पहुंच गया था। तो अब आप ये कह सकती हैं कि कैमरे की आंख आपको हर जगह देख रही है? जी, हम ये कहेंगे कि कैमरे की आंख नहीं बल्कि सेफ सिटीज हमें हर जगह देख रहे हैं और उन्होंने हमारी जिंदगी और हमारी एनवायरमेंट को भी सेफ बना दिया। थैंक यू टू सेफ सिटी अथॉरिटीज। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे सेफ सिटीज अथॉरिटी के बारे में? देखिए, आज हमने विजिट किया है अपने सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एंड हमारे लिए आज का विज़िट इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसकी प्रमोशन के लिए और जिसकी अवेयरनेस के लिए आज हमें यहाँ बुलाया गया है। उसके बारे में एक तो आपका जो सेटअप है यहाँ पे, दैट इज़ एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप है आपका, जिसमें आपके पास थ्रू आउट द सिटी, जिस तरह के आपके ये पीछे हमारी बैकग्राउंड में सेटअप लगा हुआ है, थ्रू आउट द सिटी मॉनिटरिंग हो रही है 24/7 सर्वेलेंस विद रिकॉर्डिंग एंड उस पे साथ आपका मेंशन भी हो रहा है स्क्रीन पे कि कहाँ पे कौन से कैमराज इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जिनकी एक्टिवली उनकी मूवमेंट भी हो सकती है, जूम इन एंड आउट भी हो सकता है। एंड जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले में बताया गया कि जब कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है ओवर द सिटी तो इसी स्क्रीन पे वो सारा प्रोजेक्ट किया जाता है और यहाँ से ही मॉनिटर की जाती है सिचुएशन और उसके मुताबिक फिर एक्शन लिया जाता है। मैं ख़ुद भी पर्सनली भी लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊँगा कि ये हो रहा है, आप देख के रहिए और आप अपनी कंप्लेंट्स भी दर्ज करें, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा हो आप रिपोर्ट करें और इमीडिएटली रिपोर्ट करें क्योंकि रिस्पांस टाइम अब पुलिस का, डॉल्फिन फोर्स का, सारी फोर्सेस का बहुत ज़्यादा कम हो गया, सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो गया आपका, जिसमें एक ही नंबर पे सारी सर्विसेज दस्तयाब हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करके रिस्पॉन्स टाइम अपना कम करके वहाँ पर एक्शन भी ले रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेरी अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच।